नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवटेक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान में जो विद्या सम्मेलन योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो। भर्ती हेतु आवेदन 2 से 4 नवंबर के मध्य किए जाएंगे तथा इनका सिलेक्शन PO स्तर पर किया जाएगा। इन PO द्वारा 10 तक स्थायी सूची जारी कर 12 तक स्थायी सूची जारी कर दी जाएगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में टीचर की कमी को दूर करने के लिए अब गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी। इसके तहत अलग अलग जिलों से खाली चल रहे लेवल 1-2 व ग्रेड सेकंड व्याख्याता PTI के साथ 90,000 और प्रयोगशाला सहायक के 90,000 पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इनमें से अकेले जयपुर में ही 4,038 पदों पर टीचर्स लगाए जाएंगे। इनमें रिटायर्ड टीचर के साथ रीट पास कर चुके 90 लाख अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। अध्यापक लेवल 1 और 2 के लिए रीट पास करना अनिवार्य होगा, जबकि रिटायर्ड शिक्षकों के लिए रीट की बाध्यता नहीं होगी। 2 से 4 नवंबर के मध्य आवेदन लिए जाएंगे। इसके पश्चात 7 तारीख को स्थायी सूची जारी की जाएगी, उस पर आपत्ति मांगी जाएंगी। 9 तारीख को स्थायी सूची जारी की जाएगी, 10 को स्थायी सूची जारी कर 12 नवंबर तक नियुक्ति दी जाएगी। इसमें सैलरी के रूप में 21 से 30 हज़ार तक राशि मिलेगी। नवंबर में मिल जाएगी पोस्टिंग। गेस्ट फैकल्टी योजना के तहत 1 नवंबर को राजस्थान के सभी स्कूलों में खाली चल रहे पदों पर लिस्ट जारी की जाएगी व 7 नवंबर को उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। जांच के पश्चात 9 नवंबर को आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आपत्ति मांगने और उनकी जाँच के बाद 10 नवंबर को मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके बाद 11 नवंबर को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद 12 नवंबर तक सेलेक्ट हुए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। उन्हें 19 नवंबर तक पोस्टिंग दे दी जाएगी। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। न्यूनतम योग्यता के स्कोर का 75%, गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के बाद स्कूलों में अनुसार जारी किए गए रिक्त पद व सब्जेक्ट के अनुसार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्रिंसिपल PO द्वारा किया जाएगा। प्रिफ्रेंस लिस्ट पद की मांगी गई है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के स्कोर का 75% और शैक्षिक योग्यता के स्कोर का 25% अंक बार जोड़कर किया जाएगा। समान अंक होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। रिटायर्ड टीचर रीट पास कर चुके अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों के लिए 18 से 65 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। अधिकतम 30,000 रुपये तक मिलेगी सैलरी और इस हेतु प्राइमरी टीचर को 300 रुपये प्रति घंटे और वरिष्ठ अध्यापक को 350 और व्याख्याताओं को 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। नियुक्ति के लिए शपथ पत्र भी भरना होगा। शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश भर के टेम्प्रेरी बेस पर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जा रही है। ऐसे में जैसे रिक्त पदों पर परमानेंट स्टाफ की नियुक्ति हो जाएगी, उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही सिलेक्ट होने वाले टीचर्स की प्रतिदिन पीरियड के अनुसार भुगतान किया जाएगा। शपथ पत्र में टेम्प्रेरी बेसिस पर नौकरी का जिक्र होगा। दोस्तों, इस तरह की नई नई जानकारी आपको समय समय पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।